हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। अगर इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है शहजाद मिर्ज़ा। तो आखिरकार पूरे 2 महीने बाद लॉकडाउन ओपन हो रहा है, मतलब कि आज ही लॉकडाउन ओपन हुआ है। मुकम्मल ओपन नहीं हुआ, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया है। और स्मार्ट लॉकडाउन ऐसे है कि थोड़ी बहुत मतलब के काम वगैरह ओपन हो गए हैं, दुकानें खुलेंगी, मतलब के मंडे ट्यूसडे वेनसडे, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो दुकानें हैं या कारोबार हैं वो डे बाय डे सेट किए हैं। मतलब के 3 दिन कुछ कारोबार, 3 दिन कुछ कारोबार, और उसके अलावा जो बाइक्स वगैरह हैं या फिर गाड़ियाँ हैं प्राइवेट वो भी चलेंगी, लेकिन ऑड इवन के रूल से, मतलब जिस दिन डेट ऑड है उस दिन ऑड की गाड़ियां चलेंगी और जिस दिन इवन है उस दिन इवन की गाड़ियां चलेंगी। जैसे कि आज ऑड है तो ऑड की बाइक ही चलेगी, इवन की आप चलाएंगे तो चलान कट जाएगा। और ये आप कितने देर तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है कोई पता नहीं, लेकिन इसी के साथ चलना पड़ेगा, मजबूर हैं। तो आज का व्लॉग ये है कि काम की कॉल आई थी और मैं क्या काम करता हूँ तो मैं वो आपको दिखाना चाहता था, तो आज मौका मिला है तो काम करने मैं नहीं जा रहा, काम देखने के लिए मैं जा रहा हूँ। वीडियो आगे देखें ताकि आपको पता लग जाए। मेरे साथ आए हैं ये मेरे भाई, दाल चाल अभी बड़े चिट्टे हैं, अभी छोड़ दे कोई बात नहीं, चिट्टे भी खैर है अर्जुन भाई, कुछ नहीं होता, चिट्टे हो गए तो खैर है, अभी मुझे कुछ नहीं है, इसमें इसमें चिट्टे नहीं आ रहे, हालत बुरी है इसमें ना, चिट्टे नहीं आ रहे ना, अभी ठीक है कोई बात नहीं, चीज़ों इंजॉय करो। तो काम दरअसल हमारा ये है कि इंटीरियर एक्सटीरियर के हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो अभी वही काम की मीटिंग के सिलसिले में आज यहाँ पे आए थे। तो मैंने सोचा इधर थोड़ा सा काम पहले किया भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और जो नेक्स्ट काम करना है उसके हवाले से हमने बातचीत कर ली है। इसके ऊपर लगनी है बैफल, उसका कॉन्ट्रैक्ट था तो वो बोल रहे थे आगे देख लो और काम आप ले लो और करवाओ। इसी तरह अब मैं जो पहले काम किया हुआ था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, ये तकरीबन बहुत चौक है, ये रुका सीलिंग है,
इसका कॉन्ट्रैक्ट था पहले अपने पास, तो ये काम है अपने नेपाल में जो हम करते हैं। अभी किसी बंदे का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए तो उससे बातचीत करके फाइनल डिस्कशन करके वापसी निकलेंगे। कॉल आ गई थी तो वहाँ से हमें अर्जेंटली दूसरी जगह पे आना पड़ा, तो अभी मैं पहुँचा हूँ ये दरबार मार्ग का एरिया है, तो इस जगह पे काम देखने के लिए। घर से निकलो काम के लिए तो हर जगह से कॉल पे कॉल आती है, लॉकडाउन खुल गया अभी तो बहुत कॉल आएंगी जी, तो इस वजह से अभी दोबारा दूसरी जगह पे आए हैं, यहाँ पर काम देखेंगे उसके बाद फिर शायद घर जाएँ। तो अभी घूम फिर के सारा काम शाम से फारिग हो के घर पहुंच गए। दो जगह पे गए थे, मतलब पहले एक जगह पे गए, वहाँ पे देख लिया, आपको दिखा दिया, दूसरी जगह गए वो भी दिखा दिया, तो अभी घर पहुँचे हैं। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल इतने बड़े हुए हैं, कटवा नहीं रहा, और मुझे पता है 100 बंदा जो देखने वाला है मेरे ब्लॉग मेरी वीडियो वो मेरी फैमिली और फ्रेंड में से ही है, और वो कॉल आएगी या मैसेज आएंगे क्या मजनू बना हुआ है, क्या दाढ़ी बढ़ाई हुई है, क्या किया हुआ है। तो पहला रीज़न लॉकडाउन की वजह से, और वो ऐसे कि क्लीन शेव मैं करवाता नहीं हूँ, मैं कभी नहीं क्लीन शेव करवाई, और सैलून की पसंद से जाने से डर लगता है, तो इस वजह से पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, मैंने स्पेशल फ़ोन किया एक सैलून वाले को, दुकान बंद थी, वो आया क्योंकि वो उधर कोई कस्टमर नहीं था आ रहा, उसको मैंने बोला कि ये डिज़ाइन बनाना है, उसने बोला कि अभी और इस दाढ़ी को बढ़ाओ तो उसके बाद बनेगा वो डिज़ाइन, तो इस वजह से घर की खेती है थोड़ा हुआ बढ़ने को, जब बढ़ जाएगी तो फिर कटवा लेंगे। तो ये व्लॉग था आज का, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग आते रहेंगे अभी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।